तो अगर पैर फिसला है तो नीचे जाओगे, सीधा नीचे वहां पे जाके गिरोगे। भाई बारिश मतलब कि जितना ऊपर जा रहे हैं हम उतनी बारिश तेज होती जा रही है, और डर इस चीज का है हमें अगर ज्यादा तेज बारिश होगी तो हम वहां पे फंस सकते हैं, और यहां पे कोई बचाने वाला नहीं है क्योंकि हम अपने रिस्क पे आ रहे हैं, यहां पे ट्रैक कर रहे हैं, वो अपने रिस्क पे कर रहे हैं ट्रैक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। तो यहाँ पे लोग 1000 से 1500 के बीच में लोग यहाँ पे रहते हैं, और मैं गाँव में आके रुकना और यहाँ के लोकल लोगों का खाना खाना, लोकल डिशेज खाना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अभी हम निकल रहे हैं ट्रैक के लिए, तो ट्रैक रहेगा हमारा यहाँ से 20 से 25 मिनट का रहेगा। और वेदर की बात करें ना, वेदर मतलब कि बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है, बारिश कभी भी आ सकती है, क्लाउडी क्लाउड वेदर हो रहा है। तो चलते हैं अभी ट्रैक के लिए और थोड़ा बहुत गांव एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के। बताना मुझे कि ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में, और आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है। तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं गाँव और ट्रैक करते हैं, यहाँ की जो हिडन पैलेस है वो दिखाते हैं आपको। ट्रैक के लिए वेदर मतलब आप देखोगे कि बारिश अभी भी आ रही है, तो आगे चल के हमें बारिश आई होप मिलेगी काफ़ी ज़्यादा, तो वो तो जाने की बारी पास है कि कैसा मौसम रहता है। बारिश ज़्यादा तेज है ना, बीमार भी पड़ सकते हैं, और बारिश मतलब ऑलमोस्ट हो रही है। वेदर की बात करते हैं तो क्लाउड वेदर। आप के लिए सब बंदे रेडी हैं चलने के लिए? चले गाइज, रेडी होना सब जने। रिकॉर्डिंग तो ऐसे देखो सुमित, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मैंने बोला कि जंगली जानवर का थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है ऊपर, वो काफी ज्यादा ऊपर जाके हां, तो पर नहीं तो हम वहां तक नहीं जाएंगे ना। हां नहीं, भालुओं को कई बार कुछ नहीं होता, तो भैया ने बोला कि अगर 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 यहां से आवाज है, भैया ने बोला कि अगर तुम्हारे आसपास भालू कभी भी आए ना, नहीं गलत नहीं बोल रहा, अरे भालू भैया ने तो वही चीज है ना, ये चीज नहीं बोलनी है। तो गाइस बारिश स्टार्ट हो चुकी है अभी से, और आगे चल के देख, आगे चल के देखते हैं बियर गिल्स। रुक जा रुक जा, बियर गिल्स, बियर गिल्स होने वाला है हमारे साथ। यहाँ से चलना है ना? चलना भाई, चलते हैं गाइस, ट्रैक करते हैं। भाई ये वैलेज है यहाँ का, ये देख लो, और वेदर मतलब की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। कैसा लग रहा तुझे यहाँ पे आके, और एक्सपीरियंस बता तेरा कैसा था रात का? पहली बात तो मजा आ रहा है, और दूसरी बात फट रही है बारिश में। बारिश में भाई जंगली जानवरों से, वी आर गोना किल दिस ट्रैक, किल दिस, ये कोई टॉपिक नहीं हुआ बोलने का, इसको पूरा कंप्लीट करना होता है। क्या बोलना था? वी आर गोना किल आवर सेल्व्स। ये पावर ऐसे गाइस, तुम्हारा होस्ट है दोस्त, थोड़ा थोड़ा दोस्त रेडी हो चुका है तुम्हें जंगल सफारी के लिए। तो हमारा ये ट्रैक स्टार्ट हो चुका है गाइस, और अगर कोई आ रहा है ना तो देख के आना, मतलब कि पैर फिसल सकते हैं, और पैर फिसल के सीधा नीचे जाके गिरोगे। हाँ सिर्फ ना फोन पे मत ध्यान दियो, नीचे भी देखते हो, ये जो टूटी है ना ये फिसल। भाई ट्रैक का भी अपना अलग ही मजा है, अगर जो बंदे ट्रैक करने के शौकीन हैं तो वो ट्रैक कर सकते हैं। और आई होप हमें बारिश मिलेगी और ज़्यादा ऊपर, तो अभी चलते जा रहे हैं ऊपर ट्रैक करते, ऐसे ऐसे करके अभी और भी जा रहे हैं। तो भाई अभी 100 मीटर भी नहीं चढ़े, अभी सांस फूलने स्टार्ट हो चुकी है। एक बात तो है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, क्योंकि मेन वर्सेस वाइल्ड हो रहा है यहाँ पे हमारे साथ में। वही आगे चल के वही होने वाला है। और ऐसे में क्या है, अगर बारिश हो रही है आप ट्रैक कर रहे हो तो पैर स्लिप होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, तो बिल्कुल संभाल के ट्रैक करना है, और बिल्कुल संभाल के ऊपर चढ़ना है आप सबको, कि बारिश में पैर फिसल गया तो चोट लगने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, अगर पैर फिसला तो सीधा नीचे जाके गिरोगे। तो आराम आराम से हम ट्रैक कर रहे हैं, और व्यू की बात करें तो गाइस अभी फिलहाल ऐसा व्यू आ रहा है यहाँ का, ये मॉर्निंग के 7:30 हो रहे हैं,
हमारा प्लान था और जल्दी मॉर्निंग में निकलने का, बट बारिश की वजह से हम नहीं निकल पाए क्योंकि बारिश हो रही है और आज बारिश बंद नहीं होने वाली, तो इसलिए हमने सोचा चलो निकल ही लेते हैं। देखो गीला तो होना है, गीला हो जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मज़ा आ रहा है ना अभी व्यू नेचर अलग ही वाइब है भाई। और अभी हम चलते जा रहे हैं ऊपर भाई, नीचे से ऐसे करके इधर से और इधर से और अब उधर जाना है भाई। आराम से चलना, ऐसी तो ऐसी चढ़ाई लेके जा रहा है बिल्कुल खड़ी, पैर फिसल गया तो। अरे ओ बंदर रे बंदर, चलते हैं गाइस भाई, क्या करें, एक्सप्लोर करना है तो इसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा और एक्सप्लोर करूंगा मैं, आप सब देखोगे कि आपने ऐसा कभी ट्रैक किया ही नहीं करा, मुझे कमेंट में बताना भाई। खत्म ही नहीं हो रहा, इतना लंबा ट्रैक है, ऊपर चढ़े जा रहे पहाड़ों में, चढ़े जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा ये। अभी और ऊपर जाना है भाई, गई इनटू द वर्ल्ड 150 मीटर कैफे, तो अभी 150 मीटर ऊपर जाएंगे तो हमें कैफे मिलेगा बैठने के लिए, बट इसका आइडिया नहीं है कि वो ओपन है या ओपन नहीं है, तो चल के देखते हो, तो जाने के बाद ही पता चलेगा कि ये ओपन है या नहीं है। और गाइस लिटरली बताओ ना, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम, काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे एक डर भी है कि यहाँ पे हमें भालू वगैरह जानवर ना मिल जाए, तो चलते हैं और ऊपर देखते हैं और आपको एक्सप्लोर कराते हैं कि और ऊपर जाके क्या चीज़ है देखने के लिए और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं ऊपर जाके। तो बारिश मतलब कि हो रही है यार पहाड़ों में, अगर बारिश पर सीजन ही चल रहा है बारिश का, और ये परेशान हो चुके हैं ये चल के ऊपर। चले सूरज ऊपर और चलना है ना ऊपर अभी। गाइज हमने यहाँ पे आगे कुछ खोज करी है, खोज ये मिले हमें मशरूम, बट ये वो वाले मशरूम नहीं है खाने वाले, ये जंगली मशरूम है, गलती से भी मत खाना गाइज, तो आप बीमार पड़ सकते हो, जहरीले होते हैं वाले मशरूम, तो मत खाना गाइज। ये देख लो इनका समझ में नहीं आ रहा भाई कर क्या रहे हैं ये, चले जा रहे। मेन वर्सेस वाइल्ड बन जाते हैं ना हम भाई, और कितना ऊपर जाओगे सूरज, और कितना ऊपर जाएगा भाई, कितना ऊपर, और 5 किलोमीटर पता है भाई, ये ट्रैक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा यार, चले जा रहे हैं ऊपर तक, सब खत्म हो गया ये ट्रैक भाई, रिटर्न भी जाना है नीचे और रास्ते याद नहीं है, पता है तुम लोगों को, ओए रास्ते याद है सूरज, इतना ऊपर आ तो गए हमें सूरज भाई, इतना ऊपर आ गए रास्ते याद है, चलते रहना है ठीक है, नदी को नहीं छोड़ रहे तभी तो ऊपर तक जा रहे हैं हम। गाइस देख लो कहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, इतना ऊपर आ चुके हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल सेफ, जिसे बोलते हैं हम लोग सेफ, वैसे ट्रैक कर रहे हैं हम, चल चल आराम से गाइस आराम से। और ऊपर की और ऊपर क्या चीज है, पर रास्ता नहीं है, जहां हम चलते हैं वही रास्ता बना देते हैं, तो चल रहे हैं अभी, ये कोई रास्ता नहीं है गाइस, चल रहे हैं बस भाई, रास्ता भी याद करना कि वापसी हमें आना है, कहीं भूल के और ऊपर ना चले जाएं, तो उसका याद रखना भाई। क्या ट्रैक है, मेरे लाइफ का अभी तक सबसे बेस्ट ट्रैक होने वाला ये, अभी तक मैंने इतने ट्रैक किए बट उससे ये अलग है,
बारिश, रास्ता नहीं है, उन रास्तों पे चल रहे हैं हम। मजा आ रहा है गाइस, मुझे तो। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। ये वाटरफॉल है, नॉर्मल इतना बड़ा वाटरफॉल नहीं है, तो ये ऐसे करके ऐसे आ रहा है और ये ऐसे करके वहां तक जा रहा है नीचे तक। तो देख लो आप पीछे वाटरफॉल भाई, उस साइड क्लाउड काफी ज्यादा है, बारिश उस साइड बहुत तेज आ रही होगी, बट यहाँ पे बारिश अभी फिलहाल बंद हो चुकी है। तो आप गाइस इंजॉय करो, मैं सिनेमैटिक डाल देता हूँ, तो आप देखो और उसको एंजॉय करो। इससे ऊपर देखते हैं, अगर हमें रास्ता मिला तो इससे ऊपर भी हम जाएंगे। वाकई मुझे तो नहीं लग रहा कि इससे ऊपर कुछ है, बट ट्राई करते हैं देखने में क्या जाता है। इसीलिए तो आए ट्रैक करने, ट्रैक इसी को बोलते हैं। मैं सिनेमैटिक डाल देता हूँ, आप सब देखो और मुझे बताना कि कैसे लगे आपको। है और कुछ टाइम पहले यहाँ पे मतलब कि बादल कुछ फटा होगा, फ्लड आया था, तो काफी पेड़ टूटे हुए हैं यहाँ पे, आप ये देखोगे जैसे, और सामने देख लो क्या वेदर है। तो अभी यहाँ पे बैठ के इतना सुकून मिल रहा है ना, इतनी शांति मिल रही है ना, आप नेचर में आके बता रहा हूँ इतना सुकून मिलता है ना, इसका कोई वर्ड नहीं है, इतनी शांति मिल रही है यहाँ पे बैठ के। ठीक है, और एक्सप्लोर करते हैं, चलते हैं और ऊपर और क्या है यहाँ पे देखने के लिए। भाई क्या व्यू है, इसे उतर रहे हैं आप, ये चीज देखो, बिल्कुल सेफ उतरना है और सेफ घर पहुंचना है, आराम से ट्रैक करना भाई, कोई ट्रैक का शौकीन है तो बिल्कुल आराम से ट्रैक करना, आराम से करिए। वहां मत रख पैर, आगे रख। गाइज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना यार, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो और आप सबको इतनी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कराता हूँ, तो यार कमेंट्स कर दिया करो, मैं मोटिवेट होऊंगा, मुझे और एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा फिर कि हाँ भाई चलो कमेंट्स आ रहे हैं। और कौन सा पार्ट अच्छा लगा तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा है। गाइज ऐसे करके अभी और ऊपर जाना है, वर्ड नहीं है मेरे पे बोलने के लिए गाइज, नेचर से प्यार करो गाइज, नेचर से घुमा फिरा करो, लाइफ को थोड़ा एंजॉय करो। अरे यहाँ पे आराम से गुलाबी साड़ी में लाई लाई लाई, ब्यूटी है यहाँ की। मैं ट्रैक करते जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं और अभी हमें जहाँ पहुँचना है वो लोकेशन अभी तक आई नहीं है, मतलब कि चढ़ते जा रहे हैं। सामने आ गया हमारा वाटरफॉल और अभी और ऊपर जाना है हमें, तो आराम आराम से हम ट्रैक कर रहे हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल सेफली जाएंगे और सेफली नीचे आएंगे। तो अभी धीरे धीरे मतलब कि नीचे की साइड हम जा रहे हैं। पहले से अगर आप 2-3 किलोमीटर मतलब ट्रैक करके ऊपर की साइड आते हैं तो आपको ये हिडन वाटरफॉल मिलेगा, और अभी हम और ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके देखते हैं और कुछ क्या है, और मैं आप सबको वो चीज़ चलते हैं ऊपर चल के देखते हैं और कुछ क्या है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ट्रैक करे जा रहे हैं और बारिश तो हो रही है, मतलब गीला हो चुका हूँ मैं, और देख लो आप ये व्यू। भाई ट्रैक कर रहे हो, नीचे जाके गिर जाओगे, आराम से आओ, आराम से आराम से आओ भाई, मैं इनको गाइड कर रहा हूँ, मेरे पीछे आओ। भाई बारिश मतलब कि जितना ऊपर जा रहे हैं हम उतनी बारिश तेज होती जा रही है, और डर इस चीज का है हमें, अगर ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो हम वहाँ पे फंस सकते हैं और यहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि हम अपने रिस्क पे आ रहे हैं यहाँ पे,
ट्रैक कर रहे हैं वो अपने रिस्क पे कर रहे हैं ट्रैक, और मतलब कि नीचे वाटरफॉल है भाई, अगर कोई मरता है ना एक बंदा उसको घर पहुंचा देना आराम से। भाई आराम से चलना, गिरेगा सब गिरेंगे, गिरेगा पूरे वाला। वी आर रेडी गाइस, चलो 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 भाई आराम से उतरना। देख लो अगर पैर फिसला है तो नीचे जाओगे सीधा नीचे, वहां पे जाके गिरोगे। तो आराम से आना गाइस, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप आ रहे हो ट्रैक कर रहे हो बारिश के टाइम पे, आपको पता है ना कि क्या हाल होता है पहाड़ों में, अगर पैर फिसला तो सीधा डायरेक्ट आराम आराम से। यहाँ बहुत स्लिपरी है रास्ते, तुम देख सकते हो यहाँ से सीधा नीचे खाई है। आराम से आराम से आराम से, टेक इट इजी, बारिश हो रही है ना, बारिश टेक लाइट कर रहा था कि पैर फिसला। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, ये है गोलोकेशन। फाइनली हमने ये ट्रैक कंप्लीट करा, हम आ चुके हैं अपनी जो लोकेशन है, मतलब कि आप ट्रैक करके आ रहे हो तो आपको यहाँ पे ऐसे कैंप मिलेंगे रुकने के लिए, और आप ऊपर आके यहाँ पे कैंपिंग वगैरह कर सकती हो जो कैंपिंग का शौकीन है। बट आपको ट्रैक करके इस लोकेशन पे आना होगा, इजी नहीं है, बट आपने देखा ही होगा ब्लॉग में। इस लोकेशन पे भाई कैंपिंग बंदा करे ना अलग ही मज़ा आएगा। ये है ना गाइस जो यहाँ पे आके कैंप कर सकता है, जिसको कैंप करना है तो नीचे से ऊपर आने के लिए ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसी लोकेशन पे कैंपिंग करने का अलग ही मज़ा है, क्या सुकून मिलेगा भाई कैंपिंग करेगा यहाँ पे आके। तो लेके चलता हूँ मैं आपको वहाँ पे, दिखाता हूँ वहाँ पे क्या कुछ है देखने के लिए। तो चलते हैं वहाँ पे और व्यू की बात करते हैं, तो व्यू देख लो ये गाइस, वाओ ब्यूटीफुल। क्या चीज है भाई यहाँ पे कैंप वगैरह मतलब कि स्टार्टअप कर रहे हैं। कैंपिंग वगैरह कर सकते हो, और मतलब कि ट्रैक मतलब कि अभी ये बन रहा है, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, तो मतलब कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे कैंप्स वगैरह काफ़ी होंगे, और मतलब कि घूमने के लिए अच्छी लोकेशन है ये गाइस। तो अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे ट्रैक करके आना पड़ेगा, मैक्सिमम 4-5 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा आपका ये, बट ईजी नहीं रहेगा ट्रैक, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक ट्रैक रहेगा ये। मेरा एक्सपीरियंस मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं यहाँ तक आया हूँ ना, वो मुझे ही पता है कि मैं कैसे आया हूँ यहाँ तक। और वेदर की बात करें तो मतलब कि क्लाउड स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे गाइस। फुलगा वैली से आप ट्रैक करोगे ना तो ट्रैक मैक्सिमम 5-6 किलोमीटर के अंदर में रहेगा, बट वो ट्रैक मतलब कि बिल्कुल खड़ा ट्रैक है, और 5-6 किलोमीटर जाने में आपको 1-1.5 घंटा लगेगा, और आपको फोटो शूट भी करनी होगी, वीडियो शूट भी करनी होगी, और ट्रैक के मज़े भी लेने होंगे। तो अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, आप ब्लॉग में देख लेना, आपको भी पता चल जाएगा कि मैंने क्या चीज़ दिखाई है और आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है। तो यार इतना बड़ा विलेज नहीं है, ये छोटा सा विलेज है एक्चुअली। यहाँ पे 1000-2000 ही लोग रहते हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ का कल्चर हिमाचल का मतलब आप सबको पता है कि क्या कल्चर होता है यहाँ पे, टूरिस्ट की तो रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत से होते हैं बंदे की टूरिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लड़ाइयाँ वगैरह करते हैं, बट हिमाचल यार सही में अच्छी जगह है। हिमाचल में आप कहीं पे भी चले जाओ, मतलब कि लोकेशन ढूंढने से वो लोकेशन मिल जाती है। तो वही है ना, घूमना पड़ेगा इसके लिए, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, नई नई चीज़ें देखनी पड़ेंगी, नए नए बंदों से मिलोगे, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और मैं ये करना चाहता हूँ, मैंने लोगों से मिलना चाहता हूँ, का ओपिनियन सुनना चाहता हूँ, चलते बता रहा हूँ। मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं किसी गांव में रुका हूँ, छोटा सा गांव है थोड़ा विलेज, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे आके एक्सपीरियंस लो गाइस। आप ट्रैक करो, ऊपर जाओ और ऊपर से व्यू देखो माउंटेन्स और वाटरफॉल्स, क्योंकि अच्छी जगह है फुलगा विलेज, आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। मतलब होटल के इतने काफ़ी हाई प्राइस नहीं है, नॉर्मल प्राइस है, 1000 रुपये से 1500 रुपये
काफी मतलब की वी आई पी लेना है आपको तो 4,000-5,000 से स्टार्ट हो जाएंगे आप यहाँ पे फुलगा वैलेज में होटल के प्राइस। तो वैसे यार जैसा देखो डिपेंड ऑन करता है बजट की आपका बजट कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे होटल से ले सकते हो, गांव की लाइफ देख सकते हो, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तो फिलहाल मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे होटल में और मैं मतलब कि सुकून मिल रहा है अभी यहाँ पे हम बैठ के कुछ वीडियो शूट करेंगे इंस्टाग्राम के लिए। जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, हैरी लाइफ ब्लॉग के नाम से सर्च मारेंगे इंस्टाग्राम पे तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा। तो प्लीज यार फॉलो कर लो, वहाँ पे भी न्यू अपडेट आती रहती है वहाँ पे। और आपने ब्लॉग में देखा हो कि बारिश भी आ रही थी, अब वेदर चेंज हो गया, अब धूप निकली है। पर पहाड़ों में यही है ना, कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी धूप आ जाती है। अपनी ग्रीनरी है और यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, मतलब कि यार अच्छी लोकेशन है, वाओ ब्यूटीफुल। तो चलते हैं आगे, थोड़ा बहुत कवर करते हैं गांव कैसा दिखता है। मतलब कि क्या ट्रैक बना रखा है यार गांव वालों ने चलने के लिए। और ये सामने सेब का बाग है, मतलब कि सेब लगे हैं, इतने नहीं लगे क्योंकि ये हिमाचली सेब हैं अभी। सेब चलते हैं अब जा रहे हैं नीचे जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे जा रहे हैं और निकलते हैं घर के लिए। ये देख लो भाई सेब एक तोड़ लेता है यार, भूख लग रही है। मतलब कि खट्टे हैं काफी ज्यादा, खट्टे सेब हैं। और अरे बहुत खट्टा है, मीठा नहीं है, बहुत ज़्यादा खट्टा है। आपको ये सेब मिलेंगे जगह जगह पे बाग सेब के, यहाँ पे पक रहे हैं देखो भाई। अच्छा गांव है, छोटा, कोई भी अगर इस गांव में आ रहा है तो भाई यहाँ की थोड़ी गांव की लाइफ जी के देखना है, आपको फील होगा कि कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। और इनके हाथों का खाना खाना जो स्वाद आएगा ना वो स्वाद आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो चल रहे हैं अभी नीचे, ये मॉर्निंग का व्यू है ये गांव का। तो आप देख लो कि ऐसा कुछ दिखता है, ये मतलब बिल्कुल शांत एरिया है जो होना चाहिए। और अलग ही भाई भाई अच्छे लोग हैं, आके आओ और घूमो, पूरा वैलेज कवर करो और ये एक्सपीरियंस लो कि कैसी लाइफ है यहाँ पे। दो तीन दिन आओ आराम से, बिल्कुल शांति है यहाँ पे काफी ज्यादा। भाई कितना पुराना घर है ये, बहुत पुराना घर है और लकड़ का बना हुआ है प्रॉपर, बहुत पुराना घर है गाइस ये देख लो आप। पूरा लकड़ा घर है भाई। स्कूल देख लो, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, मतलब एक छोटा सा वैलेज है। और यहाँ पे मतलब कि स्कूल इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा स्कूल है। तो यहाँ पे मतलब कि बच्चे स्टडी करते हैं, मतलब यार देखा जाए गांव जैसा है उसके अकॉर्डिंग स्कूल बना रखा है यहाँ पे। की बात है यार, स्टडी तो ऑब्वियस बात है कि सबको करनी चाहिए। गाइस कैफ़े वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कुछ भी खाना पीना है तो आप मतलब कि यहाँ पे खा पी सकते हो। और यहाँ का ये मंदिर है गाँव का, भाई मुझे भी नहीं पता कि क्या कुछ है, बट मैं बाहर से दिखा देता हूँ आपको। देख लो ये मंदिर है यहाँ का, जो भी पूजा पाजा करते हैं पहाड़ी लोग यहीं पे आके करते हैं। और अभी मतलब ये बनके तैयार हो रहा है होटल्स वगैरह, मतलब इतना होटल्स हैं बट इतने होटल्स ही नहीं है, नॉर्मल होटल है वो, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो और यहाँ पे आके आप ले भी सकते हो होटल। तो ये मतलब कि मार्केट, मतलब कि यहाँ पे खाने पीने का कुछ भी लेना तो आप यहाँ से ले सकते हो, पर थोड़ा कॉस्टली रहेगा। जो चिप्स का पैकेट यहाँ पे 10 वाला है वो आपको 15 रुपये का मिलेगा यहाँ पे, अगर कोल्ड ड्रिंक 20 वाली है यहाँ पे आके आपको 30 की मिलेगी। तो इधर भी है और इधर भी है, तो आप दोनों साइड से आप ले सकते हो। और किसी को टिकट्स वगैरह बुक करनी है, मतलब टूरिस्ट के, तो फ्री टूरिस्ट इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आके आप टिकट वगैरह ले सकते हो, अपनी बुकिंग करवा सकते हो।
गाइज ये पुलगा विलेज है और अगर किसी को टैक्सी वगैरह लेनी है तो नीचे ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से आप टैक्सी करके कुल्लू मनाली और कसोल जा सकते हो। तो लास्ट मतलब स्टॉप ये है, इससे आगे रोड ख़त्म हो जाता है और ये विलेज स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो किसी को भी टैक्सी वगैरह लेनी है तो आप यहाँ पे आके टैक्सी कर सकते हो कसोल के लिए, मनाली के लिए, कुल्लू के लिए, तो आपको यहाँ पे टैक्सी मिल जाएगी। तो ये टैक्सी स्टैंड है यहाँ पे। गाइज यहाँ पे अगर आपको मतलब भूख लग रही है, पराठे खाना और मैगी खाना मतलब कि अच्छा स्वाद आएगा, तो हमने यहाँ पे पराठे और मैगी करा लिए, मतलब कि ऑलमोस्ट खा चुके हैं, सब फिनिश कर चुके हैं और सामने वाटरफॉल और यहाँ पे पराठे वगैरह चल रहे हैं, तो मतलब कि काफ़ी अच्छा स्वाद था। सूरज पराठे का स्वाद कैसा था भाई, कुछ तो बताओ यार। एक नंबर भाई, कसोल जो आ रहा है, कसोल से अगर फुल गांव विलेज है, अगर उस साइड जा रहा है तो बीच में ही आएगा, तो यहाँ पे पराठे जरूर खाना, अच्छा स्वाद पराठा आया यहाँ पे। तो ये शॉप है वगैरह और सामने वाटरफॉल व्यू भी इंजॉय कर सकते हो और आप और यहाँ पे बैठ के पराठे वगैरह खा सकते हो। थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा बट टेस्ट आएगा आप सभी को। हे गाइज, आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सी लोकेशन अच्छी लगी है, आपने ट्रैक देख लिया होगा कि बारिश धूप सब कुछ, और बताना गाइज, मैं मोटिवेट होऊंगा। और शेयर कर देना आपको अच्छा लगा, कमेंट करना यार कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है। तो मिलता हूँ मैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।